हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट वर्दी। गर्मियों में सबसे फेवरेट सबका जो फल होता है वो मैंगो ही होता है। आज इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ मैंगो श्रीखंड की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम दही ली है। इसे आप घर में भी जमा सकते हैं या मार्केट बेस्ड भी ले सकते हैं। इसे मैंने एक छन्नी रख के अच्छी तरह से छान लिया है। इसे एक मसलिन क्लॉथ रख के उस पर छानेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो सब बाहर निकल जाए। पहले इसको अच्छी तरह स्क्वीज कर लेंगे, जितना भी पहले वाटर है वो पहले ही निकल जाए। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ के रख देंगे और इसके ऊपर कुछ भारी वजन रख के इसे 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे एज इट इज। इसका जितना भी वे है वो अलग हो जाएगा। अब उसके बाद एक मैंगो लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से हम पील करके कट कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 कप चीनी ऐड की है, अराउंड 30-40 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंगो पल्प एक पैन में निकाल के लो फ्लेम पर अच्छी तरह इसको रिड्यूस कर लेंगे। इसमें जितना भी पानी होगा वो सब रिड्यूस हो जाएगा। अभी ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, फिर ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसे थिक होने में 3-5 मिनट्स लग सकते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक हो गया है। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस यहीं पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब दही को फ्रिज में रखे हुए 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे पनीर की कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब इसको एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे स्पून की हेल्प से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी मैंगो लवर हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये श्रीखंड की रेसिपी कैसी लगी। अब सारी दही अच्छी तरह से स्ट्रेन हो गई है। अब हमें इसमें एयर फिल करनी है, तो इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करते जाना है 5 मिनट्स के लिए लगातार। आप चाहें तो इसे अपने हाथों से भी कर सकते हैं। अब इस मोमेंट पर इसमें एक बड़ा चम्मच भर के ताज़े दूध की मलाई डाल देंगे। इसी के साथ साथ इसमें 4 टेबलस्पून चीनी भी डाली है मैंने। ऑलरेडी मैंगो पल्प में भी हमने चीनी डाली है, इसलिए यहाँ पर चीनी हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून डाली है। अब इसे भी अच्छी तरह दही के साथ मिक्स करते हुए चीनी घुल जाए जब तक फेंटना है। आप चाहें तो इसमें किसी भी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंगो पल्प भी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह सारा पल्प इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें थोड़ा मैंगो चंक्स कट करके डालेंगे। बारीक बारीक मैंगो को काट के डालना है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें इसे लाइट हैंड्स के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी बना है, इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। ये 300 ग्राम कर्ड के साथ मेरा ये टोटल 400 ग्राम बन के रेडी हुआ है, क्योंकि इसमें हमने मैंगो पल्प, शुगर, मलाई सब कुछ ऐड किया था। इसलिए इसे किसी भी कंटेनर में या फिर मिट्टी की कटोरी में निकाल के इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे गार्निश किया है मैंगो स्लाइस के साथ और थोड़े पिस्टैचियोस के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।